अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिन का आगाज़ हो चुका है सुबह सवेरे से और यहाँ मैं बना रही थी फ्रेंच टोस्ट। बच्चों ने फरमाइश की थी और उनका बहुत दिल चाह रहा था, तो आज मैंने इसीलिए ये बना लिया है। कुछ भी नहीं किया है, एक अदद अंडा ले लिया है और उसके अंदर आधा कप दूध डाला है, थोड़ी सी चीनी डाली है। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से डालें जितनी आपको पसंद है। और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मैंने फेंट लिया है। जब एक दफ़ा ये अच्छी तरीके से विस्क हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर अपनी ब्रेड के स्लाइसेस को डिप कर लेना है। यहाँ मैं ब्रियोश लोफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने इसके थिक स्लाइसेस कट कर लिए थे और इसको बस मैंने एक दो सेकंड के लिए ऑन ईच साइड डिप किया इस बैटर में और फिर इसको मैंने बटर डाल के पैन के अंदर अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। जब बोथ साइड्स जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गई हैं तो मैंने फिर इसके ऊपर चॉकलेट का एक स्लैब रख दिया है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर चॉकलेट भी रख सकते हैं और फिर दोनों का सैंडविच बना लेंगे। लास्टली जब आप इसको कट करते हैं तो इसमें से चॉकलेट ऊज आउट करती है और वो लुक्स में भी बहुत अच्छी लगती है और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। साथ ही साथ फिर सफाइयाँ स्टार्ट कर दी थी और सफाइयाँ बस जितनी करो लगता है कुछ किया ही नहीं, दोबारा करने पड़ती है। मैंने कल ही किया था और मैं सोच रही थी देखो मैंने कल ही किया, एक दिन भी नहीं रहता, मुझे फिर दोबारा करनी पड़ती है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, बच्चे खेलते हैं चौक के साथ और फिर उसके सारा डस्ट हर जगह जाता है, तो मुझे मेक श्योर करना होता है कि डस्ट बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि डस्ट की एलर्जी भी हो सकती है किसी को भी, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होता है इन चीज़ों से। और फिर उसके बाद जो है मैंने बस वैक्यूम करना स्टार्ट कर दिया था, साथ ही साथ किचन का फ्लोर भी क्लीन कर लिया था और अच्छी तरीके से स्टीम मॉप भी कर लिया था। बहुत ही क्विक वाली मैंने अपनी चाय बना ली थी, जो इंग्लिश टी होती है यहाँ की। बस टी बैग डाला, पानी डाला और थोड़ा सा इवेपोरेटेड मिल्क, ये इंजॉय कर ली थी मैंने। लंच के लिए मैंने सैलड प्रिपेयर कर ली थी और साथ में जो है इसके मैंने सर्व किया था बारबेक्यू चिकन स्क्यूअर्स। इसकी रेसिपी जो है मैं नीचे लिंक में डाल दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े किए और डिफरेंट से स्क्यूअर्स होते हैं ये, और अमूमन हमारे घर में यही जो है दोपहर के टाइम ज़्यादातर शौक से खाए जाते हैं। और बस वही है कि टाइम ना हो तो फिर मैं नहीं बनाती, लेकिन वैसे जो है हस्बैंड भी यही प्रेफर करते हैं कि हम एक लाइट सा और यमी सा जो है वो लंच कर लें और जिसमें प्रोटीन भी हो, थोड़ा साथ में जो है फ्रेश वेजिटेबल्स भी हो ताकि वो फिलिंग भी हो और मज़े का भी हो। ये एक बहुत ही इजी और क्विक सैलड है जो आप बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने सिर्फ डाइस क्यूकम्बर्स डाले थे, थोड़ा सा आइसबर्ग लेटस डाला था, साथ में फेटा चीज़ डाला है और लास्टली इसके अंदर थोड़े से पोमोग्रेनेट सीड्स डाले थे मैंने, तो ये जल्दी से बन जाता है। लंच करने के बाद मैंने वाइट्स की वॉशिंग मशीन लगा ली थी। यहाँ वाइट्स जो हैं वो तकरीबन हर हफ्ते ही, यानी आपको एक दफ़ा लगानी ही पड़ती है वॉशिंग, और मैं जो हूँ ये प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। आई एम रियली हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट, ये बहुत अच्छी है, कोई स्टेन्स वगैरह भी हों तो इससे आराम से निकल आते हैं। और हस्बैंड के जो हैं वो क्रिकेट के जो क्लोथ्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है उनका केयर करनी पड़ती है, और जिस दिन ही वो खेल के आते हैं मेरी कोशिश होती है या उसी दिन मैं वॉशिंग लगा लूँ या उसके अगले दिन लगा लूँ, उससे ज़्यादा लेट नहीं करूँ, क्योंकि अगर दाग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाएँ तो फिर बहुत मुश्किल से निकलते हैं। तो ये क्विक वे होता है कि बस मैंने जो है ये वाइट्स की फ़ौरन वॉशिंग मशीन लगा ली और फिर मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। कैंडी जार भी मैंने रीफिल कर लिया था, ये जितनी जल्दी भरता है ये उतनी जल्दी खाली भी हो जाता है। और मैं इसको अब मैंने भी रिसेंटली स्टार्ट किया है कि मैंने इसको बिल्कुल सामने रख लिया है और जब भी बच्चे वगैरह आते हैं या इवन मैं अपने बच्चों के लिए भी जो है ये रीस्टॉक करके रखती हूँ, और किसी को भी अगर कैंडी चाहिए इवन बड़ों को भी तो फिर वो इसमें से ले लेते हैं।
रात के खाने के लिए मैंने सोचा था कि लैम्ब शिनवारी स्टाइल कढ़ाई बनाऊंगी, और इसके लिए मैंने पहले से लैम्ब निकाल के भी रख लिया था। और मैं अक्सर यही करती हूँ क्योंकि यहाँ के लैम्ब में काफ़ी ज़्यादा स्मेल होती है, तो इसलिए इसको मैंने भिगो के रख दिया था विनेगर वाटर में। अगर आप चाहें तो आप इसको लेमन जूस के अंदर भी या लेमन स्लाइसेस के साथ भी जो है इसको सोक करके रख सकते हैं फॉर अबाउट 20 to 25 मिनट्स। कहते हैं कि इस तरह से हीक भी निकल जाती है और आपको ये भी होता है कि इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं वो भी निकल आती हैं। लैम्ब की हीक को ट्रीट करने के लिए मैंने लैम्ब को जो है बॉइलिंग वाटर में डाला है, सिर्फ एक बॉइल दूंगी इसको, और इसके अंदर थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है बस। इसका फिर पानी मैं ड्रेन करके इसको नॉर्मल कुकिंग में यूज़ करना स्टार्ट कर दूंगी। बस यहाँ मैं लैम्ब कढ़ाई बना ही रही थी कि हस्बैंड आ गए और उन्होंने कहा कि अब मैं बनाऊँगा तो तुम जो है साथ में खड़ी हो जाओ। तो बस ये फिर उन्होंने ही कूटना शुरू कर दिया था। फ्रेश जिंजर और जो है गार्लिक है इसको अच्छी तरीके से आपने कूटना है। फ्रेश डालते हैं तो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और जो फ्रेश की बात होती है वो जो है स्टोर बॉट की बात नहीं होती। तो अमूमन अगर इस तरह की मैं डिशेस बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि फ्रेश ही इसके अंदर जो है ना वो अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूँ। बस फिर हमने इसके अंदर ऑयल डाल दिया था, और ऑयल आपने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है, चाहे आप फिर उसके बाद निकाल लें, लेकिन इसमें अच्छा खासा ऑयल डालता है। तकरीबन आप 1 कप के करीब तो इसमें ऑयल डालें ही डालें। इसके बाद इसके अंदर जो फ्रेश आपने अदरक लहसुन जो है कूटा था वो इसके अंदर शामिल कर दें। इसको अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट के अंदर सौते कर लें, और साथ में मैंने इसके अंदर सारा का सारा जितना भी लैम्ब मिक्स बोटी थी वो इसके अंदर शामिल कर दी थी। इसके बाद इसके अंदर टमाटर शामिल कर दिए थे, तो तकरीबन मैंने यहाँ 10 के करीब तो टमाटर लिए थे और इसको हाफ कट कर लिया था। और फिर आपने डायरेक्टली टमाटर इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छी तरीके से ढक देना है। एक दफ़ा जब टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए तो आपने फिर इसकी कवरिंग यानी इसकी बाहर की जो आउटर पील होती है वो उतार लेनी है। बस यहाँ टमाटर डाले ही थे हस्बैंड ने कि उनको फिर जाना पड़ गया, तो बस उसके बाद फिर सारी कुकिंग जो है फिर मैंने ही टेक ओवर कर ली थी। टमाटर जब सॉफ्ट हो गए थे तो फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से मैश कर लिया था। आपने इसी के अंदर इसको मैश करना है, फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और ब्लैक पेपर भी अगर जो है फ्रेश कुटा हुआ हो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। लास्ट में इसके अंदर शामिल होगा हरी मिर्चें और अदरक, और बस फिर ये रेडी हो जाती है। स्कूल का भी स्टार्ट होने का टाइम आ गया है, और फाइनली सितंबर में स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैंने अपनी बेटी के स्कूल के शूज़ भी ऑर्डर कर लिए थे फ्रॉम क्लार्क्स, और ये आ चुके हैं। अब जल्दी से फिर इसके बाद वॉशरूम भी क्लीन कर लिया था, और यहाँ मैं फेरी यूज़ कर लेती हूँ वॉश बेसिन साफ़ करने के लिए। बहुत ही अच्छी से शाइन भी आती है और बहुत जल्दी क्लीन भी हो जाता है। इवन जो भी वाटर मार्क्स होते हैं टैप्स के ऊपर और लाइम स्केल होता है वो भी इससे बहुत अच्छी तरीके से रिमूव हो जाता है। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हमने खाना खा लिया था। लैम्ब कढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े की भी लग रही थी और बिल्कुल पैक्ड विद फ्लेवर्स थी। अच्छी बनी है। तो बस कढ़ाई पास हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बन गई थी और मज़े की भी थी। इसके साथ ही मैं यहाँ ब्लॉग अपना एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।